नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूएन में स्मृति ईरानी ने कहा कि लैंगिक समानता और कोरोना वायरस महामारी से 1 लाख मौतों के करीब पहुंचा भारत। महाराष्ट्र के ठाणे में हीरानंदानी एस्टेट के शॉपिंग सेंटर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाथरस मामले पर अन्ना हजारे ने कहा कि तत्काल दुष्कर्मियों को दी जाए फांसी। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस और 7 वरिष्ठ जज सुनेंगे जनहित याचिका, 5 अक्टूबर से होगा बदलाव। जदयू ने कहा कि हाथरस मामले पर प्रधानमंत्री का निर्देश, योगी सरकार के लिए डूब मरने की बात। देवयानी खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया। एनजीओ के मुताबिक नए विदेशी चंदा नियमों से प्रभावित हो रही समाज सेवा। अपूर्व चंद्र ने संभाला श्रम सचिव का पदभार, इससे पहले थे रक्षा अधिग्रहण के विशेष महानिदेशक। लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों की टिकट पर रिफंड के डीजीसीए के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मुहर। मुंबई में मेल एस्कॉर्ट बनाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में 7 विधायकों को उतारने का लिया निर्णय। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन संग 7वें दौर की सैन्य वार्ता की तैयारियां शुरू। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का लाइसेंस नहीं। आईटीआई ने रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ का किया अनुबंध, सेना के लिए बनाएगी संचार नेटवर्क। टूटने से बच सकता है आईएनएस विराट, मालिक 100 करोड़ में बेचने को राजी। आंध्र प्रदेश के आईएफएस अधिकारी ने हैदराबाद में इमारत से कूद कर जान दी। नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के अवसर पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी से राहुल प्रियंका गांधी को सही सलामत वापस लाने में सीआरपीएफ को करनी पड़ी काफी मशक्कत। त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी। कांग्रेस के पूर्व सीएम कुमार स्वामी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस गठबंधन करने लायक पार्टी नहीं है। ईडी ने आतंकी फंडिंग मामले में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ दायर की चार्जशीट। नंद दुष्कर्म मामले में केरल हाईकोर्ट ने आरोपी फ्रैंको मुलक्कल की याचिका खारिज किया। राहुल गांधी के साथ व्यवहार को लेकर शरद पवार ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। लाठीचार्ज पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि योगी सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी।